please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के नंद नगरी इलाके में बीच सड़क पर कुछ पुलिस वाले हादसे का शिकार हुई एक कार को क्रेन की मदद से हटाने लगे। चश्मदीदों ने दावा किया कि हादसे की शिकार कार तेज रफ्तार में एक डिवाइडर से टकराई और भीषण टक्कर की वजह से कार चला रहे आदमी की मौत हो गई। जबकि टक्कर से कार को भी काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और उनमें कुछ अपने मोबाइल से कार का वीडियो बनाने लगे। रेस लगाते हुए आ रहे थे, दो गाड़ी आती है, फिर वो ये आपस में पता नहीं अनबैलेंस हुआ है, कुछ हुआ है, इनके अनबैलेंस होने के चक्कर में डिवाइडर से ये टकराई है गाड़ियां। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के अगले हिस्से और दाहिनी ओर के शीशे पूरी तरह टूट गए और कार को अंदर से भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने जानकारी दी कि हादसे में मारा गया विकास नाम का आदमी एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था और हादसे के वक्त वो ऑफिस से घर लौट रहा था। सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों की मदद करने वाले लोगों को इनाम देने की दिल्ली सरकार की योजना लागू हो गई है। ये योजना दिल्ली की कैबिनेट की मंजूरी के 18 महीने बाद लागू हुई। योजना के तहत किसी सड़क हादसे के वक्त घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार का दावा यह भी है कि मदद करने वाले व्यक्ति को हादसे की जांच के दौरान पुलिस परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से मदद करने वाले व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हादसे के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले लोग अगर एक से ज्यादा होते हैं तो इनाम की राशि के 2000 रुपए भी मददगारों में बराबर बराबर बांटे जाएंगे। योजना को लागू करने के लिए जो तरीका बनाया गया है उसके मुताबिक जब भी सड़क हादसे में घायल किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाएगा उसी वक्त मददगार को अपना नाम, पता और बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। फिर ये जानकारियां जिले के CDMO यानी चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर तक पहुंचाई जाएंगी और CDMO की सिफारिश के बाद मददगार के बैंक खाते में इनाम के 2000 रुपए जमा करा दिए जाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर हर साल तकरीबन 8000 सड़क हादसे होते हैं तो हर साल सड़क हादसों में करीब 1600 लोगों की जान चली जाती है और 15 से 20 हजार लोग ऐसे हैं जो सड़क हादसों में जख्मी हो जाते हैं। दिल्ली में ऐसे कई हादसे हुए हैं जब सड़क पर मदद की गुहार लगा रहे घायलों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। लोगों के बीच बढ़ रही इस संवेदनहीनता को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इस योजना को शुरू किया। पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत की वजह से वो चीन का कर्जदार बन गया है। लंदन के अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर तारिक बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और इससे उबरने के लिए उसने चीन से करीब 6,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। अगर पाकिस्तान ये कर्ज नहीं लेता तो उसे मदद के लिए IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास जाना पड़ता और वहाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए मिली आर्थिक मदद से जुड़ी पूरी जानकारी देनी पड़ती। हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही उस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहते और इसीलिए चीन से चुपचाप पाकिस्तान को भारी भरकम कर दे दिया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक रिजॉर्ट के एक कमरे से एक तेंदुआ निकलकर भागने लगा। रिजॉर्ट के स्टोर रूम में छिपकर बैठा हुआ था और वन विभाग के कर्मचारी उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान तेंदुआ वहां से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगा। तेंदुए को भागता देख वहां अफरा तफरी मच गई और फिर सब उसे पकड़ने के लिए तेंदुए के पीछे भागने लगे। इससे पहले वन विभाग के कर्मचारी बाहर खड़े होकर डंडों के जरिए तेंदुओं को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे, जिसके बाद तेंदुआ स्टोर रूम से बाहर निकला और तेजी से रिजॉर्ट के लॉन से होता हुआ बाहर की तरफ भाग गया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये तेंदुआ पेंच टाइगर रिजर्व के रिजॉर्ट में घुस गया था जिससे रिजॉर्ट में मौजूद पर्यटकों में दहशत फैल गई। हालांकि रिजॉर्ट और टाइगर रिजर्व प्रबंधन की टीम ने तेंदुए को काफी देर बाद वहां से बाहर निकाला। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के छात्र संगठन AMS यानी अल मोहम्मदिया स्टूडेंट्स के आतंकियों ने आपस में बातचीत करने के लिए एक ऐसा मोबाइल हैंडसेट बनाया जिसकी लोकेशन आसानी से ट्रेस नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से गिरफ्तार किए गए लश्कर आतंकी जैबुल्ला और हमजा ने NIA की पूछताछ में ये जानकारी दी। हमजा ने बताया कि मोबाइल हैंडसेट में खास तरह की चिप लगी होती है और वो आसपास मौजूद मोबाइल टावर के नेटवर्क से जुड़ जाता है और उस मोबाइल से की जाने वाली कॉल को खुफिया एजेंसियां नहीं पकड़ पाती। अगर खुफिया एजेंसियों ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश के में नए आतंकियों को शुरुआती ट्रेनिंग दी जाती है, फिर मुजफ्फराबाद के अक्सा मस्कर में उनको हथियार चलाना और GPS का इस्तेमाल सिखाया जाता है, जबकि KFC यानी कराची फूड सेंटर से आतंकी लॉन्च पैड तक राशन पहुंचाया जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने दावा किया है कि उनकी गठबंधन की सरकार न सिर्फ 5 साल पूरे करेगी बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी। कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में पूरे विपक्ष के एक साथ पहुंचकर 2019 में BJP के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया और कुमार स्वामी का ये बयान भी ठीक इसके ही बाद आया है।
Will this coalition last in 2019 also? Will Congress be an ally partner in... Complete all the 5 years. In 2019, will Congress be an alliance partner? 2000, yeah, it will be an alliance partner. अपनी विकास यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। अपनी विकास यात्रा के लिए धमतरी पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दावा किया कि अपने विकास विरोधी एजेंडे की वजह से कांग्रेस आने वाले और 15 साल सत्ता से बाहर रहेगी। 15 साल उन्होंने विकास का विरोध किया, इसलिए विपक्ष में बैठे हैं और आने वाले 15 साल में उनकी यही स्थिति होनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। विश्व हिंदू परिषद ने सलमान खान की प्रोड्यूस की गई फिल्म लवरात्रि नाम हिंदू त्योहार से मिलता जुलता बताते हुए इसके रिलीज का विरोध करने का ऐलान किया। दिल्ली की सीमा से लगे कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी की इमारत में भयंकर आग लग गई। आग बुझाने के लिए दिल्ली और सोनीपत से फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आग की वजह से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर बुर्का पहने एक महिला ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। यह हादसा तब हुआ जब महिला प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही, लेकिन इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला का पैर फिसल गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि काला बुर्का पहने ये महिला अपने बच्चों के साथ एक लोकल ट्रेन पकड़ने जा रही थी। उसने पहले अपने बच्चों को ट्रेन में चढ़ाया और इसके बाद वो खुद ट्रेन में चढ़ने लगी, लेकिन तभी ट्रेन के चलने से महिला का पैर फिसल गया और वो दरवाजा पकड़कर लटक गई। महिला कुछ दूर तक ट्रेन का दरवाजा पकड़कर प्लेटफॉर्म पर घसीटती चली गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भागकर महिला को ट्रेन से दूर किया और उसकी जान बचाई। हादसे के चंद मिनट बाद ही महिला सही सलामत अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इस हादसे के बाद प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।